इंदौर सांसद शंकर लालवानी शहर को अब नंबर वन बनाने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी में जुड़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को ही नई गाइडलाइन जारी की है और सांसद ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर इंदौर को नंबर वन बनाने के लिए कार्य योजना शुरू करने का काम शुरू कर दिया है। सांसद ने शनिवार को स्मार्ट सिटी ऑफिस में नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की नई गाइडलाइन पर विस्तृत चर्चा की। नई गाइडलाइन में आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, साथ ही पानी बर्बादी रोकने, पानी को दोबारा इस्तेमाल करने और सतत व्यवहार परिवर्तन करने जैसे अहम मानक भी जोड़े गए हैं। सांसद ने इन सभी नए मानकों के आधार पर कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर लगातार सफाई में नंबर वन रहा है और हमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भी पहले स्थान पर आना है, इसलिए नई गाइडलाइन जारी होते ही बैठक की। कोरोना के कारण ऐसे ही 3 महीने बीत चुके हैं और बीते महीनों में हम भरपूर मेहनत करेंगे ताकि इंदौर फिर नंबर वन बन सके। इंदौर से राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। इसके अलावा जो आज कल ही केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान का नया सर्वेक्षण का लॉन्च किया है और उसमें जो हमारी पुराना सर्वेक्षण था उसका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन चूंकि समय निकल गया तो अभी फिर से नया सर्वेक्षण के लिए उन्होंने लॉन्च किया। उसमें दो चीज़ें उन्होंने ऐड की है, वो है आत्मनिर्भर भारत और पानी का सदुपयोग करना, री यूज ऑफ वेस्टेड वाटर। उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि जिस प्रकार हम लगातार 3 बार स्वच्छता में नंबर वन आए, संभावना है 4थी बार भी आएँ, लेकिन हम अब 5वीं बार की तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है उसके लिए जो जो आवश्यक है 5वीं बार स्वच्छता में नंबर वन आने के लिए जो नए पैरामीटर जोड़े गए हैं और उन नए बातें उसमें जो कही गई है उसकी उन्होंने कल लॉन्च किया और आज ही हमने बैठ के उसका प्लान बनाया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, शहर के हमारे प्रमुख लोगों के साथ बैठ के इसमें हम आगे बढ़ेंगे ताकि स्वच्छता में फिर से नंबर वन इंदौर आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।